तो ये सारी चीजें कहीं नहीं पाते हैं उनसे, क्यों? क्योंकि स्वार्थ जुड़े हुए हैं। अब बताइए, ये एलटी को सम्मिलित न करने देने की मीटिंग है, इसमें कोई प्रवक्ता दिख रहा है? कोई एक सामान्य सदस्य आया होंगे क्या? मॉरल सपोर्ट, हाँ वो मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो है कोई नेता, राजकीय शिक्षक संघ का कोई नेता? अरे तुम फॉर्म भर रहे हो, भरो यार, ये तुम्हारा व्यक्तिगत राइट है, उसका ज्यूरिडिक्शन भी दो, लेकिन मॉरल सपोर्ट तो दे दो यहाँ बैठ के। कल के दिन उनमें से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? जब तुम इस बात से भाग रहे हो कि यहाँ मीटिंग में आके कहेंगे अरे इसने तो फॉर्म भरा है, यहाँ भी आया, तो तुम अच्छे काम करने से तो भागोगे। निर्णय का, अपने निर्णय को ज्यूरिडिक्ट करना सीखो। सार्वजनिक जीवन में आ रहे हो तो मैं क्यों आ रहा हूँ ये सही से कहना सीखो। ये हमारे प्रतिनिधियों में कमी है, लेकिन नैनीताल जनपद की जो हल्द्वानी में मीटिंग हो रही है, इसमें तो इस हॉल में मजमा लग जाना चाहिए, क्योंकि आधे उत्तराखंड का शिक्षक तो हल्द्वानी में है भैया, है नहीं? मैं भी एक उत्तराखंड के शिक्षक के नाते ही आ रहा हूँ, तो वो भी नहीं आते, क्यों? क्योंकि हाल देख रहे हैं, प्रतिनिधि देख रहे हैं भैया कितने चेहरे आ गए, कितने लोग आ गए, हाँ चलो मैं भी आता हूँ, चलो तू भी आ, ऐसे थोड़ी काम होगा। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यहाँ से कुछ निकल के जाए, और ये कार्यकारिणी बहुत अच्छा काम इसीलिए कर रही है क्योंकि मीटिंग तो कर रही है, कम से कम लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास तो कर रही है। और हर इशू में मैडम ने कहा कि वहाँ